अरे कितनी गंदी कर रखी है गाड़ी, गाड़ी भी साफ ना करे। ओए गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने गंदे कपड़े से गाड़ी साफ करने की? अरे मैडम मरोड़ तो तू ऐसा मार रही है जैसे तेरी गाड़ी हुई। हाँ ये गाड़ी मेरी है, मेरे बॉस की है। तूने इतने गंदे कपड़े से साफ करने से पहले तूने मेरे से पूछा? ओ मैडम यू कपड़ा ना गंदो नो है, ले देख बिल्कुल साफ है। नीचे करी से कपड़ा गंदा हो या साफ, तूने हाथ कैसे लगाया इस गाड़ी को और तू है कौन? ओ मैडम यह गाड़ी को मालिक हूँ मैं, मेरी है यू गाड़ी, मेरे भैया की है। बता ओए पागल है क्या तू? ये गाड़ी तेरे भाई की है, अकल वकल ठीक है? पागल खाने से भाग गया है क्या तू? अभी एक थप्पड़ पड़ा ना अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे ओ मैडम मैं तो ते झूठ ना बोल रहा, मेरे भैया की गाड़ी है। ओ गवार इंसान, तेरे भैया के पास और ये गाड़ी? तेरे भैया के पास ना बैल और बुग्गी हो सकती है, और वैसे भी चल निकल यहाँ से, तेरे कपड़ों में से भी गोबर की बदबू आ रही है अच्छी। अच्छा तो तू मतलब मेरे कपड़ा ने देख के मुझे जज कर रही है? अरे मैडम तो पता ऐसी गाड़ी कितनी खड़ी है हमारे धौर है, ऐसी कोई 10 गाड़ी खड़ी है, और तो एक बात बता दू इतना पैसा हम पे तेरी जैसे खड़े खड़े खरीद ले हम। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रही है मैं तुझसे क्या बात कर रही हूँ इतनी देर से? ये गाड़ी ना मेरी बॉस की है, एक काम कर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना तुझे तेरी यही नानी याद आ जाएगी। दफाओ। तू कुछ घनी ज्यादा ना बोल रही है मोते, कुछ घनी इज्जत उतार रही है मेरी, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मुँह मेरी गाड़ी साफ कर लंदे, जा निकल। तुझे नहीं आ रहा समझ, मना किया ना मैंने गाड़ी साफ करने के लिए? अच्छा अच्छा अब समझ आया, तू गाड़ी साफ करने के बहाने से गाड़ी में से जरूर कुछ सामान निकाल रहा होगा है ना? अरे मैडम मान जा, बहुत देर है कि तो बोलते बोलते, तो एक बात बता दू तेरा बॉस ना मेरा छोटा भैया है, चुपचाप चले जा नहीं तो कंपनी तो निकलवा दूंगा मैं, बकवास दे रही है जब तक। तू अपना स्टैंडर्ड देख और मेरे बॉस का, और तू क्या बोल रहा है मेरे बॉस तेरे छोटे भाई हैं? पागल है क्या, दिमाग तो ठीक है? तेरे जैसे ना मेरे बॉस की कंपनी में झाड़ू पोछा करते हैं, चल निकल अभी यहाँ से। अरे मैडम हम देसी इनकी आदत ना होकर झूठ बोलने की, मैं तो सही कह रहा हूँ वो मेरा छोटा भैया है, और ज्यादा बकवास मत दे अब, बहुत देर रहेगी तो। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है क्या? बार बार मेरे बॉस को अपना छोटा भाई बोले जा रहा है, साइकिल तक खरीदने की तेरी औकात नहीं है? आया मेरे बॉस का बड़ा भाई बनने वाला। सही कह रही मैडम तू, मेरी औकात ना अच्छी भी खरीदने की, अब तू जा मुँह तो मुँह मत लगे, वो गाड़ी साफ कर लेंगे जा। तुझे एक बार में समझ नहीं आता, मना किया ना मैंने गाड़ी साफ करने के लिए, ये मेरे बॉस की गाड़ी है, समझ नहीं आता तेरे को? चल निकल अभी यहाँ से। अरे मैं तो ना जा रहा हूँ यहाँ से, बता कहाँ करेगी तू? मैं तो अपनी गाड़ी साफ करके जाऊंगा। रुक जा अभी बॉस को बुलाती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ जा बुला ले, जा करवा ले जो करवाना तो जा। रुक जा। हेलो, हाँ जी सर, क्या आप 2 मिनट के लिए SRS रोड पे आ सकते हो? मुझे बहुत जरूरी काम था आपसे। अभी आ रहे हैं सर, अभी आके ना तुझे बताएंगे, तेरी सारी हेकड़ी निकालेंगे। और तुझे पता है मैं सर से क्या बोलूंगी? तू गाड़ी साफ नहीं कर रहा था, तू गाड़ी में से कुछ सामान चोरी कर रहा था। हाँ ठीक है करवा लीजिए, और तू कुछ भी कह दीजिए ठीक है। और हाँ वैसे भी वो आ जाएगा ना तो वाई के सामने जो क्लियर रह जाएगी मैं कौन हूँ और वो को हल गए मेरे। हाँ किरण बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया मेरे को? अरे भैया नमस्ते भैया। तने कैसे लोग रख रखे हैं कंपनी में, इन पर इज्जत तो बात भी करनी नाम है। मैं आयो गाड़ी साफ कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ले जाऊंगा आज मैं काम से। और जन पता ना कहाँ कहाँ बोल रही है, इनमें सहूर भी ना बात करने को कहा है ये। अरे किरण ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या ये आपके बड़े भाई हैं? सॉरी सर मैंने इनसे बहुत बदतमीजी से बात की, मैंने इनके कपड़े देख के मुझे लगा ये गांव के गवार है, इसलिए मैंने इनसे बहुत बदतमीजी से बात की, सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अरे किरण ये मेरे बड़े भाई हैं, और तुम इनका पहनावा देख के तुमने इनको जज किया, और तुमको पता है गांव का पहनावा ही ऐसा होता है। अब मेरे कपड़े अच्छे हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम मेरे कपड़ों से मेरी रेस्पेक्ट करोगे। अब ये गांव से है तो ये गांव की तरह के कपड़े पहनते हैं, मैं भी तो गांव से हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हें ये तो तमीज होनी चाहिए किसी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। किरण तुम्हें एक बात बता दूं, इंसान की पहचान ना उसके संस्कारों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से, और आगे से ना कभी भी किसी के कपड़ों से उसे जज मत करना। किरण तुम्हें एक बात बताऊं, एक टाइम ऐसा था मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, भाई ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा, और तुम्हें पता है मेरे भाई ने किसी की भी आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं की, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। सॉरी सर मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या माफ कर दूं यार तुझे, मेरे को तो शर्म आ रही है कि मैंने तेरे जैसे बदतमीज एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखा हुआ है। अरे कोई बात ना छोटे, माफ कर दे यार, तो गलती होगी, पर हाँ मैडम तो एक बात और बता दूं, आ गए थे ना ध्यान रखियो, काई ते भी ऐसा उल्टो मत बोलियो, कोई इंसान कुछ भी हो सके, जरूरी ना माने सिंपल कपड़ा पहन रखे तो गरीब ही होगो, बेशक गरीब हो इज्जत तो है ना सबकी, थोड़ा सोच।
अरे तू या कंपनी में लग गई पढ़ लिख के, तू भी एक नौकरी कर, नौकर है तू, अपने आप घनी बड़ी तो भी मत समझे, ठीक है? आगे देना सबते बात इज्जत करियो, अब जा, चली जा, चल छोटे मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके।